अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रूसी। आज का जो हमारा टॉपिक है शायद जीएस पॉपओवर, तो इसमें हम देखेंगे कि पॉपओवर को हम कैसे जीएस के थ्रू हम हैंडल करेंगे और कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे। जो पॉपओवर प्लगइन जो है ये सिमिलर है टूल टिप की तरह। जो पॉपओवर जो टूल टिप्स हैं ये यूज होते हैं एडिशनल कंटेंट ऐड करने के लिए, लाइक शॉर्ट नोट्स को ऐड करने के लिए। सो इट इज़ अ पॉपअप बॉक्स दैट अपीयर्स व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन एन एलिमेंट। कि ये एक पॉपअप बॉक्स जो है छोटा सा शो करेगा जब यूज़र क्लिक करेगा किसी भी एलिमेंट के ऊपर। और पॉपओवर और जो टूल टिप है इनमें छोटा सा एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो पॉपओवर है इसमें थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन और कंटेंट जो है वो ज़्यादा कंटेन कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को जब हम यूज़ करेंगे तो पॉपओवर जो है सीएसएस प्लगइन के थ्रू सिंपली नहीं हैंडल होंगे, तो इसके लिए हमें जेक्यूरी का जो मेथड है पॉपओवर उसको कॉल करने की ज़रूरत है। कि जब हमने एक हमने एंकर टैग जो इस एग्जांपल को देखे तो हमने एक जो एंकर टैग बनाया है उसमें हमने कहा है डेटा टॉगल इज इक्वल्स टू पॉपओवर। ठीक है, जब डेटा टॉगल किया जाएगा यानी कि जब इसे क्लिक करेंगे अपने अपने एंकर टैग को ये बटन को, तो उस वक्त क्या होना चाहिए, पॉप ओवर होना चाहिए। और इसको हमने स्क्रिप्ट में बता दिया है डेटा टॉगल की जब वैल्यू पॉप ओवर हो तो उस वक्त कौन सा मेथड हमारा जीएस का कॉल हो, पॉप ओवर का जो मेथड है वो कॉल होना चाहिए। सो इस एग्जांपल को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंकर टैग जो बनाया है उसमें मैंने डेटा टॉगल दे दिया है पॉप ओवर और उसका टाइटल दे दिया पॉप ओवर हेडर और डेटा कंटेंट जो है सम कंटेंट इनसाइड द पॉप ओवर आ जाएगा। सो जब हम इसको रेडी फंक्शन में लेके आते हैं तो मैंने बता दिया है कि जो मेरे पास एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट के ऊपर अगर हम कोई भी मेथड कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट नेम आ जाएगा जो कि हमारे पास डेटा टॉगल उसकी वैल्यू क्या आ गई है पॉप ओवर। यानी कि जब इसको हम जब ये क्लिक होगा तो उस वक्त हमारा कौन सा मेथड कॉल होगा, पॉप ओवर का मेथड जेक्यूरी का कॉल होगा। सो इसको चेक करते हैं इसकी आउटपुट को। जब इसके क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पॉप ओवर हेडर आ रहा है और उसका कंटेंट जो है वो शो हो रहा है। सो ये यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पॉप ओवर हेडर, इसका टाइटल आ रहा है और डेटा कंटेंट उसका क्या आ रहा है, पॉप ओवर का सम कंटेंट इनसाइड द पॉप ओवर, ये हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा है। इसके बाद पॉप ओवर के कुछ मेथड्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर हम उसके जो कंटेंट या टाइटल है उसको टॉप पे शो करवाना चाह रहे हैं, बॉटम पे शो करवाना चाह रहे हैं, उसको लेफ्ट या राइट पे शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम उस क्या करेंगे उसकी हम प्लेसमेंट बता देंगे टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम। सो इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने कहा है जिसकी क्लास हमारे पास बटन वार्निंग है जब उसके ऊपर हमारे पास जो मेथड कॉल होगा पॉप ओवर, तो उसका जो टाइटल हेडर और कंटेंट जो भी है वो उसको हमने प्लेस करना है टॉप के ऊपर। इसी तरह जिसकी क्लास हमारे पास सक्सेस है जब उसके ऊपर पॉप ओवर मेथड कॉल होगा तो उसका जो हमारे पास जो कंटेंट जो शो होगा वो प्लेसमेंट उसकी जो आएगी वो आएगी प्लेस्ड, उस प्लेसमेंट उसकी जो आएगी वो बॉटम आएगी। इसी तरह जिसकी क्लास हमारे पास डेंजर है जिस बटन की, जब इस बटन को क्लिक किया जाएगा तो उस वक्त जो पॉप ओवर का मेथड कॉल होगा उसमें प्लेसमेंट की हमने वैल्यू दे दी है लेफ्ट, और लास्ट वन हमने दे दी है जिसकी क्लास हमारे पास जिस बटन की बटन डिफ़ॉल्ट है, जब इसको इस इसके ऊपर पॉप ओवर मेथड कॉल होगा तो उस वक्त उसकी जो प्लेसमेंट आएगी वो राइट साइड पर आएगी। सो इसकी आउटपुट चेक करते हैं। हमारे पास ये बॉटम में आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, इसको क्लास कंटेनर दे देते हैं। और एक हेडिंग दे देते हैं।
अब जब मैं इसे क्लिक करूँगी तो मेरे पास इसका जो कंटेंट है वो टॉप साइड पे आ रहा है, बॉटम वाले पे बटन पे क्लिक करूँगी तो वो बॉटम साइड पे शो कर रहा है, लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगी तो लेफ्ट शो कर रहा है, और जो राइट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो कंटेंट और उसका हेडर जो है वो राइट साइड पे शो हो रहा है। सो इस तरह हम पॉप ओवर जो मेथड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पॉप ओवर इवेंट्स, कि अगर हमने कुछ इवेंट्स को कॉल करना है इन मेथड्स को यूज़ करते हुए तो वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जैसे बाकी हम जीएस बूटस्ट्रैप विद जीएस देखते हैं, इसमें भी हमारे पास ये है कि जब हमारे पास इवेंट व्हेन इट इज़ अबाउट टू बी शोन, यानी कि जब कोई इवेंट शो होने जा रहा है, ये फुली शोन हो चुका है, ये हाइड होने जा रहा है, ये फुली हाइड होने जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग पॉप ओवर में वैल्यू जो दे सकते हैं वो जो हमारे पास पॉप ओवर होगा उसमें हम शो डॉट बी एस डॉट पॉप ओवर यूज़ कर लेंगे, शॉन डॉट बी एस डॉट पॉप ओवर को यूज़ कर लेंगे, इसी तरह हाइड डॉट बी एस डॉट पॉप ओवर यानी कि उस मेथड का नाम बता देंगे। जो भी मेथड होगा उसके साथ हमने शो डॉट बी एस लिख देना है, शॉन डॉट बी एस लिख देना है, इसी तरह अगर हम हाइड करना चाह रहे हैं हाइड डॉट बी एस और हाइड हिडन डॉट बी एस करेंगे, तो उसको हम यूज़ करेंगे ऑन के ऊपर। सो इस एग्जाम्पल को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ भी हमने चार बटन्स वैसे ही रहने दिए हैं जिसको हमने प्राइमरी वार्निंग सक्सेस और डेंजर की क्लास दी हुई है। इसके बाद एक एंकर टैग लगाया है जिसे डेटा टॉगल कह दिया हमने पॉप ओवर, कि जब ये इसको जब टॉगल किया जाएगा तो पॉप ओवर का जो इसकी वैल्यू है वो हम उसको इसकी वैल्यू बता देंगे इस इवेंट की, और इसका कंटेंट्स हमने ऐड कर दिए। इसी तरह हमने जैसे पहले एग्जाम्पल में यूज़ किया था ये डेटा टॉगल के ऊपर पॉप ओवर आ जाएगा हमारा, और इसके ऊपर हमने यूज़ करना है मेथड शो का, हाइड का पॉप ओवर, शो हाइड टॉगल और डिस्ट्रॉय। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करना चाहें तो डिस्ट्रॉय वैल्यू दे देंगे। इसके बाद कुछ हमने इसकी वैल्यूज दी हैं कि जब कोई भी इवेंट परफॉर्म होने जा रहा है तो उस वक्त शो का उसका यूज़ कर लेंगे शो डॉट बी एस, और साथ हम मेथड नेम बता देंगे। इसी तरह जब शोन हो जाएगा फुली शोन तो उसके लिए शोन डॉट बी एस को यूज़ कर लेंगे, और हाइड डॉट बी एस और हिडन डॉट बी एस को यूज़ करेंगे। सो इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये पॉप ओवर का आ रहा है कि पॉप ओवर इज अबाउट टू बी शोन, और ये शो हो चुका है तो उसके बाद दोबारा वो मैसेज शो कर रहा है। हाइड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे द पॉप ओवर इज अबाउट टू बी हिडन, और ये द पॉप ओवर इज नाउ हिडन, तो वो हमारे पास हिडन में आ गया। सो इस तरह हम जो है शो और हाइड के ऊपर हम इसके जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उनको कॉल कर सकते हैं।